नमस्कार दोस्तों, मैं देवा चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ठाकुर कैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मेरा नया डॉग जो है, एक इंडियन स्ट्रीट डॉग, बोले तो देसी कुत्ता। बहुत से लोग उनका बजट बहुत ही कम होता है जो पबीज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी स्ट्रीट डॉग हो आपके घर के आसपास। जैसे कि ये अभी मेरे घर के बाहर 5-6 बच्चे हुए हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया। तो अभी मैंने इसका कुछ नाम नहीं रखा, 2-3 दिन से मेरे पास में है, तो आप में से प्लीज़ कोई सजेस्ट करें कि इसका नाम क्या रखें। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसे हो या ना हो तो आप इन बच्चों का ध्यान ना दें। अगर आपके घर के बाहर भी इस टाइप से जो डॉग्स हैं या फिर आसपास हैं, तो उनको आप ये कितना खाएगा, आधी रोटी, एक रोटी, और अगर 4-5 रोटी आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, एक्स्ट्रा खाना बचे, तो प्लीज़ इनको दें, क्योंकि इनका करने वाला कोई नहीं होता। और प्लीज़ एनिमल्स को हर्ट ना करें, एनिमल अब्यूज़, जैसे कि बहुत से लोगों ने देखा फालतू में पत्थर मारते रहते हैं कुत्तों को, मतलब ऐसे फर्जी में, मतलब उनमें कुछ टाइम पास जा रहा है, कोई कुत्ता ईटा उठाए। आप कभी भी देखें कि आप किसी कुत्ते के सामने ईटा उठाएं और वो तुरंत डर जाता है, तो हम लोग की सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि कुत्ते के सामने आप ईटा उठाएं, कुत्ते को पता भी नहीं चले कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ फील ही ना करी हो। तो इस वजह से इस वीडियो का मतलब मेरा यही है कि अभी भी मेरे घर में भी डॉग्स हैं, कल्चर पॉम और लैब्राडोर वगैरह काफ़ी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करूं, क्योंकि जैसे कि मतलब इंसान होते हैं, किसी की कास्ट, पैसा, इन सब से कुछ नहीं होता है, होते तो सारे इंसान हैं, उसी तरीके से ये भी डॉग्स हैं, तो ये भी डॉग्स ही होते हैं, और कितने अच्छे होते हैं दिखाता हूँ। अभी डर रहा है थोड़ा सा, पर करीबन हो चुका है, ये मेरे ख्याल से 40 डेज का पपी है, ये मेल है, तो इसका कोई बढ़िया सा नाम सजेस्ट करें मुझे, और फिर आगे वीडियोस में इसको दिखाता रहूँगा साथ में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में इसके लिए कोई प्यारा सा नाम जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरा बाप आया।